this is Rajpal Balia. He is the local candidate from here. And धन्यवाद राजपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े. कैसा इस वक्त आपका जा रहा है कैंपेन? बिकॉज पिछली बार तो पूरा बीजेपी का स्वीप था यहाँ पे. इस बार भी जो भी हम बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं वो कह रहे हैं सब कॉन्फिडेंट हैं, सारी पब्लिक यहाँ योगी सरकार से बहुत खुश है. तो क्या आप क्या देख आप कैसे क्या मानेंगे? अगर योगी सरकार से खुश होती तो क्यों विधायक जी का और भारतीय जनता पार्टी का ये यहाँ बुढ़ाना के क्षेत्र की जनता विरोध करती? तो कुछ वो कह रहे हैं गिने चुने कुछ छोटे छोटे से कम लोग हैं जो ऐसे नारे वारे लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट. वो हमारे हमारे खिलाफ तो कोई नारे नहीं लगा रहा. हम लोग बहुत सम्मान दे रहे, प्यार से बुला रहे और किसी गांव में कोई विरोध नहीं कर रहे. उनका ही विरोध हो रहा, उन्हें बहुत इस तरीके से जिस तरीके से अब की बार मुझे वोट दिया दे रहे, इस तरीके से वोट पिछली बार उनको दिया था. नहीं, मैं यही समझ रहा हूँ कि पिछली बार तो पूरा बीजेपी का स्वीप था यहाँ पे, तो अब फर्क क्या है? क्या मतलब आपके व्यू से क्या बदल गया है? फर्क ये है 13 महीने किसानों का आंदोलन, जो किसान वहाँ बॉर्डर पर रहा है 13 महीने, 700 आदमियों की मौत वहाँ रहते हुए हुई, उससे नाराजगी है. भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराजगी है. जो इन्होंने वादे किए थे अपने एजेंडे में वो इन्होंने वादे कोई पूरे नहीं किए हैं. नौकरियाँ इन्होंने जो युवा मोदी जी और योगी जी को युवा सरकार बनाई थी वो युवा आज नाराज हैं. ये ही युवा आज मोदी जी और मोदी मौका होगा मोदी जी के, लेकिन आज योगी जी की बात करूं मैं तो योगी जी के खिलाफ नहीं. लेकिन मेन जो हो गया था कि ये कहा गया था ना कि 2013 में जो दंगे हो गए थे यहाँ, उससे एक तरह से जो जाट मुस्लिम का जो एकता थी वो अलग हो गई और बीजेपी जीत गई उससे. तो उसमें क्या फर्क आया है उसमें? या वैसे का अगर माहौल वैसा ही है तो फिर दोबारा बीजेपी आ जाएगी? मैं उसी बिरादरी से हूँ, मैं जाट बिरादरी से हूँ और जाट और मुस्लिम का झगड़ा हुआ था और तबुस्सम का के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने जाट मुस्लिम को एक कर दिया था, एक फ्रंट पर ला दिया था और तबुस्सम को चुनाव जाट और मुस्लिम की ओट से तबुस्सम को कैराना में चुनाव जिताया था. आप पिछली बार जो लोकसभा की जो बाईपोल हुई थी उसकी बात कर रहे हैं? अब पिछली बार माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ से वो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े और मुस्लिम ने एक मुस्त होकर मुस्लिम ने चौधरी अजीत सिंह को वोट दिया. थोड़ी सी अगर कमी रही तो हमारी जाट बिरादरी में और विशेष तौर से हमारी बालियान खाप में थोड़ा बंटवारा हो गया इस बार. वो इस बार अब की बार बंटवारा होने का कोई प्रश्न ही नहीं. अब की बार एक तरफी जाट, एक तरफी मुस्लिम, एक तरफी है ही. और ये जहाँ आप खड़े हैं, जिस गांव में आप खड़े हैं, ये गांव हिंदूवादी है. जो सबसे बड़ा हिंदू आज अपने को कहता है कश्यप और ये सैनी और साहब हमारे यहाँ वो है बंजारे पूरे हिंदुस्तान का बंजारा भाजपा माइंड है, वो इस गांव में है. और ये गांव मुझे 75% वोट करेगा. आप मेरे से बाद में जानकारी करना. आप अच्छा ये जो नहीं जैसे यहाँ आपके जो समर्थक हैं ये सब के कौन कौन समाज यहाँ पे मौजूद हैं बताइए? ये सारे समाज हैं. कौन से जैसे मुस्लिम है हम, जैसे आप सब आप कौन से समाज? हम मैं तौसीफ राही मुस्लिम है. हम लोग जी बड़ा अपने मुस्लिम बिरादरी है यहाँ पे. सैनी बिरादरी है. सैनी बिरादरी. आप सैनी बिरादरी? जी जी. आपका नाम? जरा मुस्लिम पीछे हट. राम सैनी. नहीं सब आ जाए. अजी वो हिंदू के बाहर हम बीजेपी से परेशान नहीं, हम इनके साथ इसलिए है. इस विधायक से परेशान है, हमें डूंगरिया से. इसके शोभा राम हम इन डूंगरिया से परेशान है. वो भी जाट है, ये भी है हमारे भाई. हम इनके साथ इस वजह से हम इससे परेशान है. कौन से जो एमएलए है इस वक्त? हाँ जो एमएलए इस वक्त है.